हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल अगेन। आज है हमारे पास मारुति सुजुकी ब्रेज़ा एंड ये जो वेरिएंट है VXI CNG वाला। तो बात करते हैं सबसे पहले इसकी चाबी की। तो चाबी आपको कुछ ऐसी मिल जाएगी, पीछे सुजुकी की बैजिंग एंड यहाँ पे मिल जाएगी आपको लॉक अनलॉक के लिए बटन। गाड़ी स्टार्ट करने से पहले स्पेशल थैंक्स टू माँ गायत्री ऑटोमोबाइल जबलपुर, जिनने हमको ये व्हीकल प्रोवाइड किया है। एंड आपको मारुति का कोई भी प्रोडक्ट चाहिए, आप जबलपुर के आसपास रहते हैं तो यहाँ विजिट करके स्पेशल डिस्काउंट्स अवेल कर सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं गाड़ी से। सबसे पहले इसके हेडलैम्प्स की बात करता हूँ मैं। तो हेडलैम्प्स आप देखेंगे, आपको यहाँ एक सिंगल प्रोजेक्टर मिल जाएगा जो कि अपर डिपर दोनों का काम करने वाला है। यहाँ पे आपको मिल जाएगा पार्किंग लैंप एंड ये हो जाएगा आपका इंडिकेटर। नीचे आप देखेंगे तो आपको फॉग लैंप की हाउसिंग मिल जाएगी, जिसमें आप एडिशनली कंपनी से ही या बाहर से भी फॉग लैंप लगवा सकते हो। तो ऊपर का जो बम्पर पार्ट है वो आपको बॉडी कलर में मिल जाएगा, नीचे का कम्प्लीटली आपको ब्लैक मैट में फिनिश मिलने वाला है। यहाँ पर आपको मिल जाएगा टोइंग हुक एंड ये हो जाएगी नंबर प्लेट के लिए जगह। बाकी डिटेल्स की बात करते हैं। यहाँ पे आपको डार्क ग्रे मिल जाएगा जो कि ग्लॉसी फिनिश में है एंड ये दो पार्ट आपको क्रोम में मिल जाएंगे अलॉन्ग विद दी सुजुकी का लोगो। तो फ्रंट प्रोफाइल इसकी ओवरऑल कुछ ऐसी हो जाएगी। अब मूव करते हैं इसके इंजन पे। तो इंजन ओपन करने के लिए सबसे पहले आपको यहाँ से इसका लीवर ओपन करना पड़ेगा। ये लीवर आपको दिया गया है यहाँ पर अलॉन्ग विद दी फ्यूल टैंक। इसको आप प्रेस करोगे तो बोनट हो जाएगा आपका रिलीज़ एंड उसके बाद आपको अंदर दिया गया होगा लीवर। तो ये लीवर आप प्रेस करोगे तो आपका बोनट हो जाएगा ओपन। तो यहाँ पे जो आपको इंजन दिख रहा है वो है 1.5 लीटर का फोर सिलेंडर इंजन जो कि प्रोड्यूस करता है 87 bhp एंड 121 न्यूटन मीटर ऑफ टॉर्क। यहाँ पे आपको इंसुलेशन वगैरह देखने के लिए मिल जाएगा। इसको क्लोज करते हैं एंड मूव करते हैं इसकी बाकी डिटेल्स में। अब बात करते हैं इसके टायर सेक्शन की। तो टायर सेक्शन आपको कुछ यहाँ, इसका टायर सेक्शन आपको कुछ ऐसा देखने को मिल जाएगा 215/60R16। तो 16 इंच का पूरा आपका सेटअप हो जाएगा, जिसमें आपको ब्लैक रिम्स मिल जाएंगे अंदर एंड बाहर सिल्वर फिनिश में इसके व्हील कवर मिल जाएंगे। ये जो पूरी क्लैडिंग है ये आपको क्रॉसओवर का लुक दे रही है, जो कि फ्रंट से लेकर रियर एंड साइड पूरे में आपको देखने के लिए मिल जाएगी। और ऊपर आपको मिल जाएगा बॉडी कलर पेंट जो भी है, अभी रेड है यहाँ पे आपका डिफरेंशिएट करेगा, बट नीचे का जो भी पार्ट है वो हमेशा ब्लैक मैट में ही मिलने वाला है। गाड़ी की लेंथ की बात करते हैं तो 4 मीटर के अंदर अंदर ये गाड़ी आ जाती है। उसके बाद इसके और भी इसकी देखते हैं अपन। तो ये अंदर से ऑटो फोल्डेबल है, आप अंदर बैठ के इसको फोल्ड एंड ओपन कर सकते हो और इंडिकेटर भी उसी में इंटीग्रेट कर दिए गए हैं। अब मूव करते हैं इसके ग्राउंड क्लियरेंस पे। तो 198 mm का आपको उसमें ग्राउंड क्लियरेंस मिल जाएगा। क्रॉसओवर SUV है तो आपको कहीं भी ले जाने में कोई दिक्कत नहीं होने वाली है। टायर सेक्शन जो 16 इंच का सेटअप आपको आगे मिलता है वही आपको पीछे मिल जाएगा। आगे आपको डिस्क ब्रेक मिल जाते हैं एंड पीछे आपको यहाँ पर ड्रम ब्रेक देखने के लिए मिलते हैं। इसके रियर सेक्शन की बात करते हैं तो यहाँ पर आपका पार्किंग प्लस ब्रेक लैंप हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका इंडिकेटर वाला पार्ट एंड यहाँ पर हो जाएगा आपका रिवर्स गियर का इंडिकेटर। ये CNG वेरियंट है तो आपको यहाँ ग्लास में CNG की बैजिंग देखने के लिए मिल जाएगी। डिफॉगर की लाइंस भी दिख जाती हैं इसमें, तो आपको रियर डिफॉगर दिया गया है। ऊपर आपको शार्क फिन एंटीना मिल जाएगा एंड ये हो जाएगा आपका रियर हाई माउंट स्टॉप लैंप। सेंटर पे आप देखोगे तो सुजुकी की बैजिंग, साथ ही आपको ब्रेज़ा लिखा हुआ मिल जाएगा। ये हो गई आपकी नंबर प्लेट के लिए जगह एंड यहाँ से आप ओपन कर सकते हो इसका बूट। बूट ओपन करने के बाद ऐसा कुछ दिखेगा आपको, यहाँ मिल जाएगी आपको रियर पार्सल ट्रे एंड यहाँ पर उसी के नीचे हाइड किया गया है इसका CNG टैंक। तो टैंक वगैरह कुछ ऐसा देखने को मिल जाएगा, प्रॉपरली इसको पैक कर दिया गया है जिससे कि आपको टैंक ओपनली नहीं दिखता है एंड इतना कुछ स्पेस आपको देखने के लिए इसमें मिल जाएगा। एंड यहाँ पे आपको ये थ्रेड दिया गया है, जैसे आप इसको ओपन करोगे तो यहाँ पे आपको इसका स्टेपनी भी देखने के लिए मिल जाएगी, जो कि प्रॉपरली फुल साइज़ में मिल जाती है। 16 इंचज़ की ही आपको इसमें स्टेपनी मिल जाती है। इसको क्लोज करते हैं एंड नीचे आप देखेंगे तो आपको 4 पार्किंग सेंसर्स मिल जाएंगे। एक यहाँ पर है, एक यहाँ पर है, एक यहाँ पर है, एक यहाँ पर है और बीच में आपको मिल जाएंगे 2 रिफ्लेक्टर्स। तो यहाँ पर मैंने आपको बताया अभी CNG टैंक कैसे प्लेस्ड है। इसके एवरेज की बात करते हैं तो 25.51 का आपको कंपनी क्लेम्ड एवरेज मिल जाता है, बाकी आपकी ड्राइविंग कंडीशंस के हिसाब से थोड़ा बहुत वेरी कर सकता है। एंड यहाँ पे आपको पेट्रोल टैंक देखने के लिए मिल जाता है, अगर आप CNG यूज़ नहीं कर रहे हो तो 19.89 का आपको पेट्रोल में एवरेज देगी। ये वाली साइड प्रोफाइल को ऐसी देखने के लिए मिल जाएगी। इसकी पैसेंजर सीट बता देता हूँ मैं आपको। यहाँ से पैसेंजर सीट में आपको यहाँ पे टिल्ट एडजस्टमेंट मिल जाएगा, जिससे कि आप आगे पीछे रिक्लाइन वगैरह यहाँ से कर सकते हो। डोर कुछ ऐसा मिल जाएगा जिसमें आपको पावर विंडोज़ के कंट्रोल, ये ओपन करने के लिए बटन, ये हो गया आपका डोर का लॉक एंड बॉटल होल्डर के साथ आपको कुछ एक्स्ट्रा स्टोरेज पे देखने के लिए मिल जाएगा। यहाँ पर आपको दिया गया है स्पीकर एंड ये ट्विटर के लिए दी गई है जगह। उसके साथ ही पूरा दरवाज़ा आपको ब्लैक में फिनिश है, बट इतना जो ये पार्ट है ये पूरा आपको फैब्रिक में दिया गया है, तो ये कम्प्लीटली सॉफ्ट टच टाइप का हो जाएगा यहाँ पर। इसको क्लोज़ करते हैं एंड ड्राइवर डोर की बात करते हैं। उसी के साथ साथ हम इंटीरियर सेक्शन पर जाते हैं। तो ड्राइवर डोर ओपन करने के बाद अब सबसे पहले देखोगे सेम टोन में पूरी फिनिश दी गई है, कम्प्लीटली गाड़ी को पूरा ब्लैक में बनाया गया है। इंटीरियर भी पूरा ब्लैक में फिनिश है, इसके डोर्स वगैरह भी पूरा कम्प्लीटली ब्लैक में फिनिश है।
ये पार्ट अगेन जितना भी आपको ये दिख रहा है ये फैब्रिक में है पूरा सॉफ्ट टच के साथ। उसके अलावा बाकी पार्ट आपको हार्ड प्लास्टिक में मिल जाएगा। यहाँ पे आपको लीवर मिल जाएगा दरवाज़ा खोलने के लिए, ये लॉक अनलॉक की बटन हो जाएगी, ये होगा आपका ट्विटर के लिए जगह। एंड यहाँ पे आपको पूरे पावर विंडोज़ के कंट्रोल मिल जाएंगे, साथ ही साथ ये वाले जो कंट्रोल्स हैं ये आपके मिरर को फोल्ड करने के लिए एंड एडजस्ट करने के लिए दिए गए हैं। उसके साथ आपको यहाँ नीचे मिल जाएगा बॉटल होल्डर एंड ये हो जाएगा आपका छोटा सा एक्स्ट्रा स्टोरेज स्पेस अलॉन्ग विद दी स्पीकर। अंदर बैठते हैं एंड बाकी डिटेल्स की बात करते हैं। उससे पहले यहाँ की नॉब्स बता देता हूँ मैं आपको। ये हो गया आपका हेडलाइट लेवलर, ये हो गया आपका ट्रैक्शन ऑन ऑफ करने की बटन एंड ये जो बटन दी गई है आपको फ्यूल स्विच करने के लिए दी गई है। आपको पेट्रोल पे कब चलाना है, सीएनजी पे कब चलाना है, आप इससे चेंज करके चला सकते हो। नीचे आपको तीन लीवर मिल जाएंगे, ये हो गया इसका मैनुअल मॉडल, तो एक्सीलेटर ब्रेक क्लच एंड वहाँ पे आपको मिल जाएगा डेड पेडल। ये हो गया आपका फ्यूल टैंक ओपन करने के लिए एंड ये चीज़ जो है ये हो जाएगा आपका बोनट ओपन करने के लिए। ड्राइवर सीट की बात करते हैं तो यहाँ पे आपको एक ही लीवर दिया गया है जिससे आप इसके टिल्ट एडजस्टमेंट सेट कर सकते हो। अब बैठ चुके हैं हम इसके अंदर एंड ये दरवाज़ा खुला हुआ बोल रहा है, कौन सा दरवाज़ा खुला हुआ है, डिक्की खुली हुई है तो यहाँ पे साइन आ रहा है, हम डिक्की क्लोज़ करते हैं तो ये साइन रिमूव हो जाएगा। तो ये डिक्की क्लोज़ हो गई एंड साइन चला गया है। अब हम चाबी लगा के इसको ऑन करते हैं एंड बाकी चीज़ बताता हूँ मैं आपको। ये चाबी लगा के मैंने गाड़ी कर ली है ऑन एंड यहाँ पे आप देख सकते हैं लेफ्ट साइड आपको मिल जाएगा आरपीएम मीटर, राइट साइड हो गया आपका स्पीडोमीटर। सेंटर पे आप देखोगे तो ये जो राइट साइड वाला है ये आपको सीएनजी का लेवल बताता है एंड ये लेफ्ट साइड वाला आपका पेट्रोल का लेवल बताता है। साथ ही में यहाँ पे आपको दो लीवर दिए गए हैं, एक यहाँ राइट में दिया गया है एक लेफ्ट में दिया गया, तो राइट वाले से आप बाकी सारी इसकी एमआईडी सेटिंग देख सकते हो, आपका एवरेज कितना आ रहा है, गाड़ी आपको रेंज कितना दे रही है, और लेफ्ट वाले से आपकी ओडोमीटर सेटिंग देख सकते हो। गाड़ी अभी टोटल 8 किलोमीटर चली हुई है एंड बाकी बार फिर से प्रेस करोगे तो आपके ट्रिप मीटर्स आपको ये बता देगा। साथ ही साथ आपका इंजन का टेम्परेचर और बेसिक सारी वार्निंग लाइट्स आपको यहाँ देखने के लिए मिल जाएगी। उसके बाद की स्टेयरिंग की बात करते हैं तो ये फ्लैट बॉटम में आपको मिल जाएगा। ये वाला जो पार्ट है ये सॉफ्ट टच है एंड जो अंदर वाला है ये पूरा हार्ड प्लास्टिक है, तो ये आपको हार्ड प्लास्टिक देखने के लिए मिलेगा यहाँ पे और यहाँ पे। सेंटर पे आपको सुजुकी की बैजिंग मिल जाएगी, उसके साथ यहाँ क्रोम मिल जाएगा, ये कुछ सिल्वर इंसर्ट्स मिल जाएंगे। लेफ्ट साइड आप देखोगे तो आपके प्लेयर से रिलेटेड कंट्रोल्स मिल जाएंगे यहाँ पे एंड यहाँ पे आपको मिल जाएंगे कॉल रिलेटेड कंट्रोल्स। उसके बाद यहाँ पे लीवर दिए गए हैं, तो ये वाला जो लेफ्ट वाला लीवर है आपके वाइपर के कंट्रोल्स के लिए हो जाएगा एंड राइट वाला आपका हेडलाइट और इंडिकेटर रिलेटेड। यहाँ पे आप देखोगे तो ये हो गया आपका एसी वेंट एंड ऊपर आपको मिल जाएगा डिफॉगर। अब बात करते हैं इसके प्लेयर की, तो 7 इंच का आपको ये प्लेयर मिल जाएगा। दोनों साइड आपको 4-4 बटन दी गई हैं जिससे आप पूरी सेटिंग्स वगैरह चेंज कर सकते हो। ये हो गई आपकी होम बटन, यहाँ पे आपको एंड्रॉयड ऑटो एप्पल कार प्ले भी मिल जाएगा, तो आप पूरा कनेक्ट करके उससे इसको यूज़ कर सकते हो। यहाँ पे आपको ये सिल्वर फिनिश दी गई है जो कि यहाँ प्लेयर से स्टार्ट होती है एंड पूरे डैशबोर्ड तक जाके ऐसे कवर होती है यहाँ तक, तो ये हाफ से ही स्टार्ट होती है, ये पूरा कवर नहीं है। यहाँ से स्टार्ट होके ये ऐसे जाके यहाँ हाफ में फिनिश हो जाती है। नीचे आपको दो एसी वेंट देखने के लिए मिल जाएंगे, एसी वेंट के आसपास आपको ये टेक्सचर देखने के लिए मिल जाएगा जो कि वहाँ तक पूरा एंड तक जाता है पैसेंजर साइड में। तो ये होगा आपके दो एसी वेंट, ये होगा आपके हज़ार्ड बटन। नीचे आपको ये अच्छी चीज़ दी गई है, ऑटोमेटिक क्लाइमेट कंट्रोल है, तो आपको सिर्फ ये ऑटो प्रेस करना है एंड आपका टेम्परेचर सेट करना है, गाड़ी खुद से ही फैन की स्पीड और सब कुछ सेट कर लेगी, आपको कुछ भी नहीं करना है। एंड अगर आप मैनुअल सेट करना चाहते हो तो यहाँ से आप टेम्परेचर चेंज कर सकते हो, ये देखिए 18, 19, 20 जितना भी आपको चाहिए एंड फैन की स्पीड उसके हिसाब से कम ज़्यादा आप कर सकते हो। तो ये पूरे आपके एसी से रिलेटेड कंट्रोल्स हो जाएंगे। नीचे आप देखोगे तो ये 12 वोल्ट वाला आपको चार्जर मिल जाएगा एंड यहाँ पे आपको ये यूएसबी मिल जाएगा जो कि आपके प्लेयर के लिए दिया गया है। ये हो गया आपका स्टोरेज स्पेस एंड ये हो गया आपका गियर लीवर। गियर लीवर में आपको 5 फ्रंट एंड 1 रिवर्स मिल जाएगा। ये होगा आपके दो बॉटल होल्डर, यहाँ पे मिल जाएगा आपको हैंड ब्रेक एंड अगेन आपको यहाँ छोटा सा स्पेस मिल जाएगा सामान रखने के लिए। अब बात करते हैं इसके पैसेंजर सीट्स की, तो सीट्स में मैं बैठा हुआ, पूरी सीट्स अभी पीछे हैं, मेरी हाइट है 6'2" एंड यहाँ थाई सपोर्ट मुझे अच्छा खासा मिल रहा है और लॉन्ग ड्राइव में भी कोई इशू नहीं होने वाला है। बात करते हैं इसके ग्लव बॉक्स की, ग्लव बॉक्स आप ओपन करेंगे तो कुछ ऐसा स्पेस आपको देखने के लिए मिल जाएगा। डैशबोर्ड में यहाँ कम्प्लीटली हार्ड प्लास्टिक तो नहीं है, हल्का सा सॉफ्ट टच आप इसको कह सकते हो, बट ये जो सिल्वर ट्रिम्स है ये कम्प्लीटली हार्ड प्लास्टिक में आपको दिए गए हैं। उसके बाद यहाँ पे आपको ग्रैब हैंडल मिल जाएंगे तीनों पैसेंजर्स के लिए, साइड में आपको ड्राइवर के लिए नहीं मिलता है। सनवाइजर्स की बात करते हैं तो ये वाला सनवाइजर में आपको मिरर मिल जाएगा जो कि है पैसेंजर वाला। IRVM में आपको ये डे नाइट के लिए बटन दी गई है जिससे आप डे एंड नाइट एडजस्ट कर सकते हो। एंड ये जो आपको दिख रहा है ये हो गया आपका माइक, जब भी आपका फ़ोन इस प्लेयर से कनेक्टेड है एंड आप कॉल पे हैं तो आपकी आवाज़ सामने वाले को इसके थ्रू ही जाती है। एंड यहाँ पे आप देखेंगे तो आपको ड्राइवर वाला सनवाइजर मिल जाएगा प्लेन। इसके बाद एक चीज़ और छोटी सी, यहाँ पे आपको मैंने बताया था स्विच दी गई है फ्यूल प्लस सीएनजी वाली, तो चलिए मैं इसको प्रेस करता हूँ। अभी आपको यहाँ दिख रहा है पेट्रोल,
जैसे ही मैं इसको प्रेस करूँगा तो वहाँ पे आपको CNG भी ब्लिंक होने लगेगा, मतलब गाड़ी CNG पे आ चुकी है। अगर मैं इसको ऑफ कर दूंगा तो CNG वहाँ से चला जाएगा। देखिए अब गायब हो चुका है, तो आपकी गाड़ी चलने वाली है कम्प्लीटली पेट्रोल पे। तो इस तरीके से आप डिफ्रेंशिएट कर सकते हो कि गाड़ी पेट्रोल पे चल रही है या CNG पे। तो ऐसा कुछ था इसका फ्रंट कैबिन। आपको कोई भी डाउट हो प्लीज़ मुझे कमेंट में बताइए, मैं उसका ज़रूर रिप्लाई करूँगा। गाड़ी को ऑफ करते हैं एंड बताता हूँ इसको आपकी रियर सीट्स। तो रियर डोर में आप देखोगे तो ये भी आपको पूरा प्लेन ब्लैक में फिनिश मिल जाएगा। यहाँ आपको ग्रैब हैंडल मिल जाएगा, ये हो गए आपके पावर विंडोज़ के कंट्रोल, ये लीवर आपका दरवाज़ा ओपन करने के लिए, एंड वहाँ मिल जाएगी आपको लॉक बटन। साथ ही में नीचे आपको स्टोरेज स्पेस मिल जाएगा। ये चीज़ अच्छी है, इसमें चारों दरवाज़ों पर आपको एक एक लीटर का बॉटल होल्डर्स मिल जाते हैं। वो हो गया आपका स्पीकर। बाकी डिटेल मैं इसमें बैठ के बताता हूँ। तो गाड़ी की सीट पूरी पीछे कर ली थी मैंने, जो कि मेरे हिसाब से ज़्यादा ही कर ली थी मैंने, तभी मुझे थोड़ा सा कम स्पेस देखने के लिए मिल रहा है, बट आप आराम से बैठ सकते हो। मेरी हाइट है 6'2" एंड थाई सपोर्ट भी मुझे अच्छा खासा मिल रहा है, थाई सपोर्ट की भी कोई कमी नहीं है। तो सीट्स काफ़ी कंफर्टेबल है, कोई इशू नहीं होने वाला है। हेडरेस्ट की बात करते हैं तो आपको दो एडजस्टेबल हेडरेस्ट मिल जाएंगे बैक में, तो वो कुछ ऐसे देखने को मिल जाएंगे। एंड यहाँ पे आपको बटन दी गई है, उसके थ्रू आप एडजस्ट कर सकते हो। सेंटर पे आपको कुछ नहीं मिलेगा हेडरेस्ट, एंड आर्मरेस्ट भी यहाँ पे नहीं दिया गया है। सारे पैसेंजर्स के लिए आपको यहाँ सीट बेल्ट मिल जाएंगे, एंड ये हो गया आपके ग्रैब हैंडल। बात करते हैं इसके कैबिन लाइट की, तो सेंटर पे एक ही लाइट दी गई है जिसको आप ऑन ऑफ या ड्राइवर डोर के हिसाब से आप एडजस्ट कर सकते हो। तो ओवरऑल कुछ ऐसा रिव्यू था इस ब्रेज़ा BXi CNG का। प्राइसिंग की बात करते हैं तो 10.64 इसका एक शोरूम है। ऑन रोड प्राइस आपके सिटी के हिसाब से वेरी करेगा। तो अगर आप जबलपुर के आसपास रहते हैं तो यहाँ विजिट करके अच्छे डील्स का फ़ायदा ले सकते हैं। कैसा लगा प्लीज़ मुझे कमेंट में बताइए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।